रूस में वैगनर ग्रुप ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ तख्तापलट का ऐलान किया है। वैगनर ग्रुप और रूस की सेना के बीच तनाव पैदा हो गया है। रूस से जुड़े लड़ाकू समूह के सरगना एवगेनी प्रिगोचिन ने मॉस्को को सजा देने और बदला लेने की कसम खाई है। इस बीच रूस ने देश की सेना के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का आह्वान कर वैगनर के प्रमुख एवगेनी प्रिगोचिन की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि रूस बीते 1.5 वर्षों से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है और इसलिए पश्चिमी देशों ने उसको आर्थिक और सामाजिक रूप से आइसोलेट कर रखा है। वहीं अब देश के अंदर ही कूप की खबरें आना रूस जैसे देश में अनिश्चितता के बादलों को घना कर देने वाला है। हम अपनी इस रिपोर्ट में कूप की खबरों के बीच 5 महत्वपूर्ण चीजों को साझा करने वाले हैं। सबसे पहले वैगनर समूह के प्रमुख एवगेनी प्रिगोजिन ने मॉस्को के नेतृत्व को उखाड़ फेंकने की कसम खाई है। उनके इस ऐलान के बाद राजधानी मॉस्को सहित कई प्रमुख रूसी शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबाइन ने सोशल मीडिया पर कहा है कि सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से आतंकवाद विरोधी कदम उठाए जा रहे हैं। नंबर 2, इससे पहले वैगनर प्रमुख एवगेनी प्रिगोचिन ने शनिवार को मॉस्को पर घातक मिसाइल हमलों से उनकी सेना को निशाना बनाने का आरोप लगाया था, साथ ही जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों मॉस्को की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए रास्ते में रूसी सेना ने भी भारी मोर्चाबंदी कर दी है। रूसी शहर रोस्तोम में रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के बीच भीषण लड़ाई की भी खबर है। नंबर 3, रूसी सुरक्षा बल सेंट पीटर्सबर्ग ने वैगनर ग्रुप के मुख्यालय में घुस गए हैं। वैगनर प्रमुख का कहना है कि वह रोस्तोम सेना के मुख्यालय के अंदर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर प्रिगोचिन रोस्तो सैन्य मुख्यालय में रूस के उपरक्षा मंत्री और सैन्य खुफिया विभाग के उप प्रमुख से मिल रहे हैं। साथ ही रक्षा मंत्री सोइगो और जनरल स्टाफ के प्रमुख गेरासिमो से मिलने की भी बात कर रहे हैं। प्रिगोचिन ने ऐलान किया है कि हम मॉस्को जा रहे हैं, जो रास्ते में आएगा वह खुद इसके लिए जिम्मेदार होगा। उन्होंने एक वीडियो मैसेज में कहा है कि जिन्होंने आज हमारे लोगों को नष्ट कर दिया, जिन्होंने दसियों हजारों रूसी सैनिकों की जान को नष्ट कर दिया, उन्हें हम दंडित करेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वैगनर बॉस एवगेनी प्रिगोचिन ने सशस्त्र तख्तापलट के प्रयास के बारे में नियमित तौर पर जानकारी दी है। क्रेमलिन ने कहा है कि पुतिन को रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और नेशनल गार्ड से लगातार इस विद्रोह की पल-पल जानकारी मिल रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बगावत पर पुतिन ने कहा है कि वैगनर ने सेना की पीठ में छुरा भोंका, कहा रूस भविष्य के लिए लड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार रूस में क्या कुछ होता है।